please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इलाहाबाद में साइकिल से जा रहे एक रिटायर्ड दारोगा की कुछ लोगों ने लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। दारोगा की बेरहमी से पिटाई का आरोप उन्हीं के रिश्तेदारों पर लगा है, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें देखा गया कि साइकिल से जा रहे रिटायर्ड दारोगा अब्दुल समद खान पर एक आदमी ने पीछे से लाठी से हमला किया, जिससे उनकी साइकिल गिर गई। इसके बाद लाल शर्ट पहना आदमी दारोगा पर लगातार लाठियों से हमला करता रहा। इस बीच वहां से कई लोग गुजरे, लेकिन किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। इस बीच दो और लोग लाठियां लेकर वहां आए और तीनों मिलकर रिटायर्ड दारोगा को पीटने लगे, बेभाग निकले। जानकारी मिलने पर परिवार वालों ने रिटायर्ड दारोगा को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दावा किया कि जमीन से जुड़े एक विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। संबंधियों से संपत्ति का विवाद था, जैसा पता चला है उसी में जो है मारपीट हुई। पुलिस ने रिटायर्ड दारोगा अब्दुल समद खान की हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी किया। हिमाचल प्रदेश के नाहन में कुछ लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी के ऊपर लगे मोटे तारों पर चलने लगे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन के सुस्त रवैये की वजह से नदी पार करने के लिए वहां कई सालों से पुल नहीं बनाया गया और इसीलिए इलाके के लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। इस दौरान नदी पार करने के लिए कुछ लोग एक ट्रॉली में सवार हुए, लेकिन उसे दूसरे किनारे तक पहुंचाने के लिए एक आदमी को तारों के सहारे धक्का लगाना पड़ा। दूल्हा दो बार टूट भी गया, यहाँ से दो तीन बार बच्चे गिर भी गए हैं, पर फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इलाके के लोगों ने दावा किया कि नदी पर पुल बनाने को लेकर वो कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आरोप है कि प्रशासन ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। यूपी के शामली में पानी में डूबी एक बस को जेसीबी की मदद से निकाला जाने लगा। बस में बैठे लोगों ने बताया कि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से अंडरपास के नीचे सड़क पर पानी जमा हो गया, जिसमें बस फंस गई। पानी में बस के फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद कुछ कर्मचारी जेसीबी के साथ वहां पहुंचे और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बस को पानी से बाहर निकाला गया। बताया गया कि बस में सवार 75 यात्री एक शादी में शामिल होने सहारनपुर जा रहे थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित में कुछ बच्चे अपने हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करने लगे। ये बच्चे इलाके के सैकड़ों लोगों के साथ अपने नेता बाबा जान की रिहाई के लिए प्रदर्शन करने जुटे, जिसमें उन्होंने पोस्टर लेकर वहां की सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान सरकार ने चीन की कंपनियों को वहां की कोयला खदानें आवंटित की थी, जिसके खिलाफ आवाज उठाने पर आवामी वर्कर्स पार्टी के नेता बाबा जान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और 2011 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में गिलगित बल्टिस्तान की कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन इस फैसले के बावजूद उनकी रिहाई न होने पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। इन लोगों में बाबा जान के परिवार वाले भी शामिल थे। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने अपने नेता को रिहा करने की मांग की और उन्हें जल्द न छोड़े जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इलाहाबाद में यूपी के कई बड़े पुलिस अधिकारी हवन करने लगे। ये हवन जनवरी में शुरू होने वाले कुंभ मेले के सकुशल संपन्न होने को लेकर किया गया, जिसमें पूजा अर्चना कर कुंभ मेले के लिए पुलिस कैंप की शुरुआत की गई। इस बीच विधिवत पूजा पाठ और हवन कर कुंभ मेले के सकुशल संपन्न होने की प्रार्थना की गई, ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। 40 थाने बनने हैं और 59 चौकियां बननी हैं हमारी। इसके अलावा ट्रैफिक लाइन बननी है, 4 पुलिस लाइन बननी है, रिवर पुलिस लाइन बननी है और हमें उम्मीद है कि हम 15 दिसंबर तक पूरा अपना एस्टेब्लिशमेंट पूरा कर लेंगे। मध्य प्रदेश में सीधी जिले के चुरहट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया और उन्हें काले झंडे दिखाए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे शिवराज सिंह चौहान वहां अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के सिलसिले में, लेकिन वहां मौजूद कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके और उनको काले झंडे भी दिखाए। गरिमत ये रही कि पत्थरबाजी की इस घटना में मुख्यमंत्री और उनके साथ मौजूद दूसरे नेताओं को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन जिस गाड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान सवार थे, पत्थर लगने की वजह से उसके शीशे जरूर चटक गए। इस दौरान वहां मौजूद कुछ अज्ञात लोगों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जबकि एक नौजवान चिल्लाकर मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछता नजर आया। पथराव के बाद हुई रैली में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता अजय सिंह को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। पत्थर फेंकने वालों, ये परिपक्वता की राजनीति नहीं है, ये बचकाना हरकत है। मुख्यमंत्री की गाड़ी पर पथराव की घटना के बाद मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मच गया और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हमलावर अंदाज में दिखाई दिए। वहीं कांग्रेस पथराव के आरोपों से इनकार करते हुए आर पार के मूड में दिखी, लेकिन कांग्रेस के इनकार से पहले शिवराज सिंह ने अपने काफिले पर हुए पथराव को अपनी हत्या की साजिश करार दिया। कांग्रेस मेरे खून की प्यासी हो गई।
मध्य प्रदेश की राजनीति में ये कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सीएम के आरोपों को गलत बताया और इलाके के लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा होने का दावा किया। मैं जो कुछ करता हूँ सामने करता हूँ, लेकिन क्षेत्र में आक्रोश था। कुछ ही देर में सीएम और नेता प्रतिपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग और तल्ख हो गई, जिसके बाद प्रदेश सरकार के कई मंत्री और बीजेपी नेता सामने आए और कांग्रेस को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिसकी कमान संभाली एमपी के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने, जिन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले पर पथराव की घटना को कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया। पूरी स्क्रिप्ट अजय सिंह जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके चुरहट स्थित निवास पर रची गई। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और पूरी घटना को चुनावी स्टंट बताया। ये सहानुभूति बटोरने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इन हथकंडों पर उतरना पड़ रहा है। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि मुख्यमंत्री के काफिले पर पथराव करने वाले और काले झंडे दिखाने वाले लोग किसी राजनीतिक दल से थे या फिर वो आम लोगों का सीएम के खिलाफ गुस्सा था। SC/ST एक्ट के विरोध में यूपी में होने वाली एक बैठक में 200,000 लोगों के पहुंचने का दावा किया गया। SC/ST एक्ट के विरोध में यूपी के मथुरा में एक संगठन ने बुधवार को बुलाई गई एक बैठक में 200,000 लोगों के पहुंचने का दावा किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक कोर्ट के बाहर पुलिस पर एक आदमी की पिटाई करने का आरोप लगा। यूपी के गाजियाबाद में तेज बारिश की वजह से एक अंडरपास के नीचे पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मलेशिया की एक शरिया कोर्ट ने 2 महिलाओं को समलैंगिक संबंध बनाने के आरोप में सार्वजनिक रूप से बेंत मारने की सजा दी। मुंबई की एक अदालत ने दाभोलकर हत्या केस की जांच कर रही CBI को हथियार मामले में गिरफ्तार एक आरोपी की कस्टडी सौंप दी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक लड़की को अगवा करने के आरोपों पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी। उत्तराखंड के चमोली में जन्माष्टमी के त्योहार के समय हादसा हो गया। गोपेश्वर की पुलिस लाइन में जन्माष्टमी कार्यक्रम के लिए बनाया गया पंडाल अचानक ढह गया, जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के DM और SP समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे, लेकिन तभी बच्चों की कार्यक्रम के समय भारी बारिश की वजह से पंडाल अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन हादसे की वजह से कार्यक्रम बीच में ही खत्म करना पड़ा। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में दमकल के कुछ कर्मचारी वहां के नेशनल म्यूजियम का दरवाजा तोड़ने लगे। ब्राजील का 200 साल पुराना ये नेशनल म्यूजियम आग लग जाने के कारण तबाह हो गया। हालांकि म्यूजियम में रखे बेशकीमती सामान को दमकल कर्मियों और आम लोगों ने मिलकर बचाने की भरपूर कोशिश की। म्यूजियम का दरवाजा टूट जाने के बाद वहां रखे सामान को बहुत से लोग बाहर निकालकर खुली जगह पर रखने लगे। हालांकि आग इतनी भयंकर थी कि वहां रखा ज्यादातर सामान जलकर राख हो गया। इस म्यूजियम में ब्राजील और दुनिया के इतिहास से जुड़ी करीब 2000 चीजें रखी थी। उन्हें बचाने के लिए 80 दमकल कर्मियों को लगाया गया। उन्होंने ऊंची सीढ़ी वाली क्रेन की मदद से पानी की बौछार करके आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस आग में ज्यादा कुछ नहीं बचाया जा सका। विमान के बिना रुके सिर्फ 20 घंटे में पृथ्वी का आधा चक्कर ऑस्ट्रेलिया की क्वांटस एयरलाइन ऐसे ही मैराथन उड़ान का सपना सच करने जा रही है। उसने 2022 तक ऐसी उड़ान शुरू करने का दावा किया है जो बिना रुके 20 घंटे में सिडनी से लंदन या सिडनी से न्यूयॉर्क पहुंचा देगी। खबरों के मुताबिक क्वांटस एयरवेज इस उड़ान के लिए एयरबस A350 या बोइंग 777X विमान का इस्तेमाल कर सकती है। एक साल पहले उसने एयरबेस और बोइंग को ऐसा विमान तैयार करने को कहा था जो एक बार में पृथ्वी की आधी दूरी के बराबर उड़ सके। इस मैराथन उड़ान के लिए ऐसा विमान चाहिए जो 300 यात्रियों को उनके सामान के साथ उनके मकाम तक पहुंचा सके। ऐसे विमान में 20 घंटे से ज़्यादा देर तक उड़ने लायक ईंधन चाहिए होगा, ताकि इमरजेंसी हो तो भी वो कुछ और देर तक उड़ सके। क्वांटस एयरवेज के मुताबिक 20 घंटे तक लगातार उड़ने वाले विमान में छोटा पलंग, बच्चों का कोना और काम करने की जगह भी हो। यूपी के सोनभद्र में कुछ लोग एक टोल प्लाजा पर तैनात सुरक्षाकर्मी से मारपीट करने लगे। आरोपी के खुद को इलाके के विधायक का समर्थक बताते हुए इन लोगों ने टोल देने से इनकार कर दिया, और जब वहाँ मौजूद सुरक्षाकर्मी ने उन्हें नियमों का हवाला दिया तो उन लोगों ने सुरक्षाकर्मी को ही पीटना शुरू कर दिया। हंगामे और मारपीट के बीच एक आदमी ने सुरक्षाकर्मी की बंदूक छीनने की कोशिश भी की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। फिर मौके पर मौजूद एक आदमी के बीच बचाव के बाद हंगामा कर रहे सभी लोग अपनी गाड़ी में लौट गए। घटना के तुरंत बाद टोल कर्मियों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, लेकिन दावा किया गया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी आरोपी बिना टोल दिए वहां से फरार हो गए। राजस्थान के करौली में दो पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि ये खूनी झड़प नालियों की सफाई को लेकर हुई, जिसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रही। बताया जा रहा है कि ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब करौली नगर परिषद का एक कर्मचारी सुरौठ कस्बे में नालियों की सफाई करा रहा था।
आरोप है कि तभी कुछ लोगों ने उसके साथ गाली गलौज की, जिसका विरोध करने पर लोगों ने उस पर लाठियों से हमला बोल दिया, जिसके बाद नगर परिषद कर्मचारी महेंद्र के बचाव में सामने आए लोगों ने भी हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मारपीट के दौरान एक शख्स नाली में गिर गया, इसके बाद भी लोगों ने उसे पीटना बंद नहीं किया। इस बीच कुछ लोग पत्थरबाजी करते नजर आए। इस झड़प में दोनों ओर से महिलाएं भी लाठियों से एक दूसरे पर हमला करती दिखाई दी। सरेआम हुई इस खूनी झड़प में 8 लोग घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल एक आदमी को चारपाई पर लिटाकर अस्पताल ले जाया गया।